अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैं साहबजादा मोहम्मद ज़ुबैर साबरी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के निशान पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लाजमी मिलता रहे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इंतहाई मुजर्रब वजीफ़ा बताने वाला हूँ शादी के लिए। अगर आप कहीं शादी करना चाहते हैं पसंद की, दोस्तों हमारे नबी हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर दो शख्स खुशी से शादी कर रहे हैं तो उनकी शादी करा देनी चाहिए, तो ये तो सबसे बेस्ट है और अच्छा अमल है। ये तो हुज़ूर पाक का फरमान भी है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक शख्स के दिल में शदीद मोहब्बत होती है और दूसरा शख्स नहीं मानना होता है, तो ये अमल ख़ास उनके लिए है, उनको मनाने के लिए और शादी पर राज़ी करने के लिए। इस अमल के करने से आप उनको आसानी से राज़ी कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है, इस अमल का असर तब होगा जब आपकी पाक मोहब्बत होगी। अगर आप मोहब्बत में दो नंबरियां करते रहें, यानी गलत मोहब्बत है, तो फिर ये अमल कभी कामयाब नहीं होगा। अगर आप पाक तरीके से रिश्ता करना चाहते हैं, पाक मोहब्बत है आपकी, रूहानी मोहब्बत है आपकी, तो फिर इंशाल्लाह ये अमल 100% गारंटी से काम करता है। दोस्तों, ये अमल आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ख़ानदान में लोग काफ़ी करते रहे हैं, उन लोगों का ये मामूल रहा है और ये बहुत कदीम अमल है। दोस्तों, चाहिए कि हिस्बे हाजत आपने क्या लेना, नमक, पाकीज़ा नमक लेना, पाक और साफ बिल्कुल नमक, लाहौरी हो या सांब पाकीज़ ले, और इस पर अव्वल आखिर 11 बार दुरूद पाक और 1000 मरतबा या वदूद पढ़कर आपने दम कर देना है। ख्याल रहे कि ये नमक ज़मीन पर हरगिज न करे। आपने इस चीज़ की बहुत एहतियात करनी है कि नमक का एक तिन का भी, एक छोटा सा टुकड़ा भी ज़मीन पर ना गिरे। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है और ये बहुत बड़ी शर्त है, यानी ज़मीन का एक दाना भी छोटा सा नीचे ना गिरे। दोस्तों, वो नमक जिसके ऊपर आपने पढ़ाई करनी है, या वदूद 1000 मरतबा अव्वल आखिर 11 बार दुरूद पाक, और पढ़ते वक्त ये ख्याल जहन में रखना है कि फ़लाँ शख्स 3 आदमी हैं, 4 आदमी हैं, कि मेरे लिए शादी के लिए राज़ी हो जाए। दोस्तों, जिस नीयत से भी पढ़ेंगे, जिस नीयत से भी पढ़ेंगे, इंशाल्लाह वो मुराद हासिल होगी, और जिसके लिए पढ़ेंगे सिर्फ उसी पर असर होगा। अगर आप 3 आदमियों के लिए पढ़ेंगे तो सिर्फ 3 आदमियों पर ही असर होगा। अगर आप सब घर वालों के लिए पढ़ेंगे तो उनके सब घर वालों के लिए असर होगा, ठीक है। और इस नमक को दूसरा कोई और भी कहे तो भी बहुत फ़ायदा है, इसमें प्यार मोहब्बत पैदा होगा, आपस में खलूस व मोहब्बत पैदा होगा। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।